तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ध्रुवीय रूप में कॉची रीमान समीकरण थे, लेकिन यहाँ एक W का ध्रुवीय रूप में अवकलज और होता है। W का ध्रुवीय रूप में अवकलज, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। देखिए, W बराबर जो U प्लस आयोटा V होता है ना, W इक्वल टू जो U प्लस आयोटा V है वो है U और V की फॉर्म में होता है, और जो U और V है वो क्या है कि X और Y के फलन के रूप में होते हैं। ओके, तो ये है W का ध्रुवीय रूप में अवकलज। तो ये यहाँ तक तो आपको कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स के बाद में थीटा का बाई के रेस्पेक्ट मॉड डिफरेंशिएशन करेंगे। थीटा की जो वैल्यू है ना, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, इसका आप बाई के रेस्पेक्ट मॉड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, थीटा की जो वैल्यू है ना, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, तो इसमें टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इनटू में बाई अपॉन एक्स का करोगे, बाई अपॉन एक्स का करोगे, यानी हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई का वन हो जाएगा, अपॉन में एक्स बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, ऊपर एक्स स्क्वायर जाएगा, एक एक्स कैंसिल होगा तो एक एक्स बचेगा। आप यहां एक्स की जो वैल्यू है उसको लिखोगे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास आर स्क्वायर। ओके, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा वन अपॉन आर कॉस थीटा। तो ये तो रही आपके पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, इसमें हम जब डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज करेंगे तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड जब भी निकालोगे आप, अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड निकालें तो आपको पता है कि ये जो डब्ल्यू है इसका कभी भी जेड के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा। जब भी अवकलन होगा, क्योंकि जेड है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो फिर डब्ल्यू का अगर अवकलन होगा तो या तो एक्स के सापेक्ष होगा आंशिक, और या फिर वाई के सापेक्ष होगा। तो अगर हम इसको एक्स के सापेक्ष लिखें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, तो आप देखेंगे कि ये जो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स है इसको हम आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो एक्स फंक्शन है ना, जो एक्स है वो फंक्शन है अपना आर और थीटा का, तो आप इसको आर और थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और ये बनेगा डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी आर का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये है यहाँ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, साथ में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा, यहाँ रखेंगे ये माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा, और ये है यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ओके, जो कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड के इक्वल है। अब देखिए, आप एक तो क्या है, देखो दो बार इसको क्या, एक बार तो हम क्या है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की फॉर्म में, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की फॉर्म का मतलब है यहाँ डब्ल्यू, ये जो थीटा है ना इसको आर में चेंज करेंगे। एक तो क्या है, इसको डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर के फॉर्म में लाएंगे प्रूव करके,
और एक बार क्या है इसको डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की फॉर्म में लाएंगे, तो एक बार डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा की फॉर्म में लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली कंडीशन रहेगी अपनी, किसी को किसी के भी रेस्पेक्ट में ला सकते हो, जैसे कि यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर है ना, तो इस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को भी क्या है आर में चेंज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू है वो यू प्लस आई ओटा वी होता है, और अगर आप इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये बनेगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई ओटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक और बात, अगर आप इसका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा यानी डब्ल्यू का आप अगर आर के रेस्पेक्ट में करें तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई ओटा डेल वी अपॉन डेल आर। ओके, और यहाँ आप अगर कौशी रीमान समीकरण की बात करें तो अभी अभी आपने प्रूव की थी डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये कौशी रीमान समीकरण थी। तो आप क्या करोगे, यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू है, इसको लिखें एम्प्लाइज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा। ये है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा जो कि डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई ओटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, अब क्या है कि इसमें ये कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा, आप देखेंगे यहाँ इसको हमें आर में कन्वर्ट करना है, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा को आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल थीटा को माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर लिख सकते हैं, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आई ओटा, और यहाँ डेल वी अपॉन डेल थीटा है डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो इस आर को इधर लाओ तो आर डेल यू अपॉन डेल आर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आर डेल यू अपॉन डेल आर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे इसमें कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस वन अपॉन आर, देखिए यहाँ से ये जो माइनस आर है ना इसको कॉमन लें, या आप पहले आर कॉमन लें तो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, और ये बना साइन थीटा, और यहाँ है आयोटा, इसको पहले लिख दें आयोटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस आर कॉमन, तो ये डेल वी अपॉन डेल आर। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू रही कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस, अब देखिए इसमें से अगर हम आयोटा को कॉमन लें चलो रिपीट कर देंगे कोई नहीं। ओके, आप देखोगे यहाँ से अगर आप आयोटा कॉमन लें तो आयोटा कॉमन और ये साइन थीटा, जब आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा ये डेल यू अपॉन डेल आर। ओके, अब इस आयोटा का भाग लगाओगे यहाँ माइनस में, आप समझेंगे आयोटा का भाग लगाएंगे ना, दोबारा सुनो इस आयोटा का यहाँ भाग लगाएंगे, अच्छा भाग लगाएंगे तो ये वन अपॉन आयोटा आएगा, यानी वन अपॉन आयोटा बनेगा। अगर इस आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करें तो नीचे आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस वन होगा, और ऊपर क्या आएगा आयोटा, तो यानी यहाँ आयोटा अपॉन में माइनस वन आएगा ना, यहाँ आयोटा अपॉन माइनस वन आएगा, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये बना डेल वी अपॉन डेल आर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप कि डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, देखिए डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, इसको आप लिख सकते हो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, तो यानी इस ब्रैकेट को लिख सकते हो आप डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, फाइनली ये बन गया कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस आयोटा साइन थीटा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, इस ब्रैकेट को क्या लिख दिया यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। ओके स्टूडेंट्स,
क्लियर है ना सब कुछ। तो यानी ये जो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू है इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। देखो यहाँ से दोनों में से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को कॉमन लिया। ओके तो एक तो रिजल्ट ये बन गया, यानी W का चल तो वैसे ये Z के रेस्पेक्ट में ही रहा है ना, तो Z का X के में भी किया है, यानी ये रहा W का अवकलज। ये R की फॉर्म में रहा, किस फॉर्म में रहा, ये R की फॉर्म में। अभी इसका जस्ट थीटा की फॉर्म में और करेंगे, तो पहले इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं आपके लिए, तो आप समझेंगे इसमें, आप सभी समझेंगे इसमें। एक बार रिवाइज करते हैं हम इसको, तो आप देखोगे ये है, ये तो आपको पहले ही बता चुके थे यहाँ तक, लेकिन हमने जैसा कि आपसे डिस्कस किया कि W का जो कि W होता है U प्लस आयोटा भी, W होता है U प्लस आयोटा भी, अगर हम इसका W का Z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, तो क्योंकि जो Z है ना, Z को तो फंक्शन होता है X और Y का, X प्लस आयोटा Y होता है ना, तो Z का यानी W का कभी भी Z के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, या तो X पे होगा या Y के, क्योंकि Z है वो फंक्शन है X Y का। तो हमने क्या किया, इस Z का X के सापेक्ष किया, और X के सापेक्ष अगर आप आंशिक अवकलन करोगे तो आप समझेंगे कि W का आप X के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो टोटल डिफरेंशिएशन से W का पहले R और थीटा के होगा, बाद में इस R का X के, और बाद में इस थीटा का X के रेस्पेक्ट में। ओके यहाँ डेल W अपॉन डेल जेड और यहाँ डेल R अपॉन डेल X की वैल्यू रख दी। डेल R अपॉन डेल X की जो वैल्यू है वो है अपने पास cos थीटा, तो ये रहा cos थीटा और ये डेल W अपॉन डेल R, साथ ही यहाँ डेल थीटा अपॉन डेल X की वैल्यू, डेल थीटा अपॉन डेल X है, इसकी वैल्यू के बारे में बात करें डेल थीटा अपॉन डेल X, तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है ना वो है माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा, और फिर है ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू है कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा, और ये जो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा है ना वो देखिए W इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी है, तो अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो W का डेल W अपॉन डेल थीटा, U का डेल U अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा V का हो जाएगा डेल V अपॉन डेल थीटा। फिर आप इसका R के रेस्पेक्ट में करोगे तो U का डेल U अपॉन डेल R प्लस आयोटा V का डेल V अपॉन डेल R, तो इसको आप लिख सकते हो डेल W अपॉन डेल थीटा की जो वैल्यू है वो है डेल U अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल V अपॉन डेल थीटा। हम क्या है कि यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान, डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान यहाँ से माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर रखा, फिर प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल थीटा का मान, डेल बी अपॉन डेल थीटा का मान आर इधर आएगा तो आर डेल यू अपॉन डेल आर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कॉस थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस, यहाँ से अगर R कॉमन लें तो ये R कैंसिल होगा, तो यहाँ साइन थीटा बचा, और इसमें जो आयोटा डेल यू अपॉन डेल आर है इसको पहले लिख दिया, माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर को बाद में लिख दिया। अब यहाँ से भी आयोटा कॉमन निकालें तो ये माइनस का आयोटा साइन थीटा, और ये बना डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, और आयोटा जब कॉमन लिया या भाग लगाया, भाग लगा वो ऊपर नीचे गुणा करके ये प्लस बन जाएगा और आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना इस ब्रैकेट की वैल्यू है ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर जो कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर है, इस ब्रैकेट की वैल्यू रख दी हमने डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, यह जो ब्रैकेट की वैल्यू है इसमें से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को कॉमन लिया तो जो भी बचा वो है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या है, इसी पैटर्न पर आपके लिए
देखिए जैसा कि हमने बताया यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को है ना या फाइनली डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर में चेंज किया। अब हम क्या करेंगे कि अब की बार इस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर को और थीटा में चेंज करेंगे, आर की जगह क्या लाएंगे थीटा। तो इसी को दोबारा से हम लिखें पुनः यानी एक तो रिजल्ट हो गया है, अब दूसरा रिजल्ट देखिए थीटा की फॉर्म में। पुनः यहाँ से दूसरा रिजल्ट स्टार्ट है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, पहले भी कर चुके हैं। ये तो ये है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर है ना, उस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की जो वैल्यू है वो है डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई यूटा। डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई यूटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस वन अपॉन आर, और ये है साइन थीटा साथ में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे यहाँ जैसे पिछली पिछली जो आर्टिकल था ना अभी, यानी जो आर में बदला था सेम उसी पैटर्न पे करेंगे। आप देखोगे डेल यू अपॉन डेल आर की जो वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू है वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके फिर आइए प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल आर निकालोगे ना तो माइनस आर का भाग लगेगा, तो माइनस वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा यानी माइनस वन अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा। फिर आइए माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा और साथ में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें अब क्या करेंगे हम कि यहाँ जो वन अपॉन आर आ रहा है इसको कॉमन लें, तो वन अपॉन आर कॉमन और ये कॉस थीटा, और देखिए ये बना डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। आप यहां से माइनस आयोटा को कॉमन लेंगे, यहां से माइनस आयोटा कॉमन लें, माइनस आयोटा को क्या करेंगे यहां कॉमन लेंगे, तो जैसे ही आप यहां से माइनस आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन आर। अच्छा आयोटा को भी कॉमन निकाला है ना, तो ये रहेगा देखिए माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा, और ये बनेगा देखो आयोटा माइनस का कॉमन लिया तो ये डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा पहले, और इस आयोटा का यहाँ भाग लगेगा ना, देखो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस होगा, और यहाँ जब आप आयोटा का भाग लगाओगे तो वन अपॉन आयोटा होगा और ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। लेकिन देखिए इसमें आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर आयोटा का गुणा करोगे और नीचे आयोटा का करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिससे माइनस वन आएगा और ये माइनस प्लस कर देगा। ओके साथ में है ये माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा और ये है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। तो देखिए इसमें माइनस आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा और ये है डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसको डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा रख सकते हो, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। फिर है ये माइनस का वन अपॉन आर साइन थीटा माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा और लास्ट में है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें से क्या है कि हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को कॉमन लें और माइनस जो आयोटा अपॉन आर है इसको भी कॉमन लें। आप देखेंगे कि यहाँ से माइनस आयोटा अपॉन आर कॉमन लें तो ये कॉस थीटा, और देखिए इधर से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा को कॉमन लेंगे
देखो वन अपॉन आर तो कॉमन है, लेकिन माइनस आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये आयोटा का यहाँ भाग लगेगा ना नीचे, यहाँ आयोटा का भाग लगेगा नीचे, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस वन ओवर होगा ये, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा और साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, ये रहा डब्ल्यू का, यानी जो आपने अवकलन किया है ना, ये अवकलन रहा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड के ऊपर, लेकिन ये थीटा की फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे।